नमस्कार, मैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज। अभी हम पटना एयरपोर्ट पर मौजूद है। इसी एयरपोर्ट से मनीष कश्यप की फ्लाइट 10 मिनट पहले उड़ान भरी है तमिलनाडु के लिए। जी हां, जिसका डर था वही हुआ। आखिरकार तमिलनाडु पुलिस ने मनीष कश्यप को अपने यहां ले ही गई। लगातार 14 दिन से बिहार में डेरा जमाए हुए तमिलनाडु पुलिस 10 मिनट पहले मनीष कश्यप को लेकर तमिलनाडु के लिए रवाना हो गई। हालांकि उसके साथ बिहार पुलिस भी गई है। बिहार पुलिस ही मनीष कश्यप को साथ में लेके गई, तमिलनाडु पुलिस को हैंडओवर नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप के साथ होते वहाँ क्या होता है तमिलनाडु में। हालांकि मनीष कश्यप अभी मीडिया में कह रहे थे कि बिहार पुलिस जो भी है या तमिलनाडु पुलिस के लोग हैं वो मेरे साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ के लिए दोषी है, ये सब जो प्रकरण हुआ है इसके लिए कोई दोषी है तो बिहार के तमाम नेता दोषी है। अभी भी वो उसी तलखनजाद में से और बिहार के नेताओं को ही दोषी बता रहे थे। क्या आपको फंसाया जा रहा है पॉलिटिकली? आपने आरोप लगाया है मुझे। 31 तारीख को मदुरई कोर्ट में उनकी पेशी है। हालांकि कोर्ट में तमिलनाडु पुलिस 14 दिन की रिमांड मांगेगी क्योंकि उन पर वहां 13 मुकदमे दर्ज है। तो कम से कम जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कम से कम 14 दिन के लिए रिमांड तो मांगेगी तमिलनाडु पुलिस, और जब 14 दिन की रिमांड मिल जाएगी तो उसके बाद क्या वहाँ वो बताते हैं नहीं बताते हैं। हालांकि अभी तक बिहार पुलिस को उन्होंने उनकी जो मोबाइल की तलाश है, बिहार पुलिस को अभी तक बिहार पुलिस को उस मोबाइल को हाथ नहीं लगा है बिहार पुलिस को। तो देखना होगा कि तमिलनाडु पुलिस कहाँ तक छानबीन करती है। हालांकि तमिलनाडु के अलग अलग जिले में मनीष कश्यप के खिलाफ केस दर्ज है, लेकिन देखना होगा कि क्या तमिलनाडु पुलिस उनसे क्या उगलवाती है क्या। और कोर्ट ने पटना जब कोर्ट ने सिविल कोर्ट ने तमिलनाडु पुलिस को मनीष कश्यप का हैंड ओवर किया दिया है तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके साथ किसी भी तरह की कोई हाथापाई नहीं होना चाहिए, उन मारपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए बिहार पुलिस की भी एक टीम गई है यहाँ से। हालांकि मनीष कश्यप साफ साफ ये चीज़ बता रहे थे, एक्सेप्ट कर रहे थे कि बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस जो भी है दोनों राज्यों की पुलिस उनके साथ अच्छा बिहेवियर कर रही है, किसी भी तरह की दुर्व्यवहार नहीं कर रही है। वो किसी को दोषी मान रहे हैं अगर तो बिहार के तमाम नेताओं को दोषी मान रहे हैं। इस सारी मैटर पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट से में जरूर बताइएगा। बाकी आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद।